जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबके लिए सही होगा। पहले राम मंदिर का मुद्दा था, अब ये मुद्दा आ गया, ये खत्म नहीं होगा कभी। ज्ञान वहाँ भी इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, कुछ तो क्या? अरे कई मुद्दा फुद्दा नहीं है भाई है? अरे मैं क्या बोलूँ, कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो बनाए भाई। ये बताओ आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम बच्चन है। बच्चन? हाँ। तो ये बच्चन जी हैं और जामा मस्जिद के सामने आप दुकान लगा रहे? हाँ जी, दुकान लगा। कितने साल से? 50 साल से। 50 साल जहाँ मैं बांध पे में भी लगाई, जहाँ कर्फ्यू लगा रहा था, जब भी माल बेचता था रोज। हाँ, यहाँ तो रोजाना इधर होती के इधर मस्जिद टूट रही है, के मंदिर बन रहा है, कभी इधर भगदौर कभी उधर भगदौर, ऐसी भगदौर होती रहती। अच्छा, 12 बजे माल लगाता, 5 बजे बंद करता था, अपने बच्चों के लिए रोटी कमाता। 70 साल उम्र हो गई आपकी? हाँ जी 70 साल है। 50 साल से आप दुकान लगा रहे हैं। अब मुद्दा जो ये है कि जहाँ हम खड़े हैं दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने, एकदम सड़क है, यहाँ बाजार लगता है दोनों तरफ, 50 साल से आप लगा रहे हैं, 70 साल आपकी उम्र है, अब इस जामा मस्जिद को लेकर भी कई तरह के दावे हो रहे हैं कि यहाँ पहले मंदिर था। अरे ये तो होते ही रहेंगे दावे, इससे कोई असूल नहीं निकलेगा ना। मस्जिद की जगह मंदिर था या नहीं था हमें जो पता नहीं भैया, पहले नहीं दावे तो झूठा करते हैं। पैदा नहीं हुआ तो कुछ तो बड़े बूढ़ों ने सुना होगा। पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, जब से मैं पैदा हुआ ये मस्जिद था। हम यहाँ है, किस चीज़ की हमको जानकारी है या नहीं है ये बताइए। जिनका ये कहने का मुताबिक है कि आप इतने सालों से यहाँ हैं, कभी आपने सुना है कि हाँ जी मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति थी या कोई मंदिर थी? नहीं थी, नहीं थी, बस मस्जिद थी। जब से मैं दिल्ली आया मस्जिद देखा। हिंदू मुसलमान के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सिविक राजनीति की। ये जो कहेंगे कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये सिविक राजनीति की लड़ाई है, जो अपनी रोटी सेकने के लिए ये हम लोगों को आपस में भैयारी में लड़वा करके ये अपनी रोटी सेक। हालात हर मजबूरी से आने के बाद हम लोग को पटरी पे आना पड़ा। पटरी पे जब आया हूँ तो पटरी में भी हम सुकून और शांति नहीं है। कितने पढ़े हैं ये बताइए, कितना पढ़े हुए हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल नहीं ना। कहाँ के रहने वाले? हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। कलकत्ता के रहने वाले हैं, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली। हाँ, तो इस वक्त हम जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं आपके, है ना? अब ये बताइए, इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये पहले मंदिर था, विष्णु मंदिर, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये दुनिया तो सब किस्म के बात ही बोलती है, लेकिन उसमें तो कोई प्रूफ होता नहीं है। प्रूफ तो होता नहीं, अगर जो प्रूफ हो, जो उसमें शिव मंदिर था, मस्जिद था, तो उसको प्रूफ तो होना चाहिए ना। कोई तो प्रूफ आ नहीं रहा ना, तो दस बोलने से क्या होगा। कोई तो ज्ञानवापी का जो मुद्दा चल रहा है, वहाँ शिवलिंग होने की बात कही जा रही है, उस पर क्या ना? उसके मामले में हमें कुछ जानकारी नहीं है, ना हम बता सकते उसके। अच्छा, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तो लेकिन मानना ही पड़ेगा। हाँ, वो बात तो वाकिफ है, मानना ही पड़ेगा दस को। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।